हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव। इस क्लास में हम लोग कवर कर रहे थे आपके एटलस की वर्ल्ड मैपिंग क्लास की सीरीज़ को, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका कवर किया, साउथ अमेरिका को कवर किया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी कवर कर लिया था। और आज ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा यूरोप कॉन्टिनेंट का, जिसका ये थर्ड लेक्चर होगा, क्योंकि यूरोप कॉन्टिनेंट भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने फिजिकल और पॉलिटिकल मैप के साथ कवर किया है। और जो लोग मेरे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है कि हम इस क्लास में किस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट हर एक पॉइंट चीज़ों को कवर करते हुए चलते हैं, जिसमें रटना नहीं होता है, केवल आपके दिमाग में एक वर्ल्ड का मैप आपके दिमाग में तैयार हो रहा है, जिसमें आप देखोगे कि मैं सबसे पहले कोस्टल एरिया से शुरू करता हूँ, फिर नदियों और उसके साथ आपकी जो नहरें हैं, जो माउंटेन होते हैं, जो स्ट्रेट होते हैं, जल संधियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट लोकेट भी करते हैं। और इसके जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ी देर में ही प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर शायद मैंने कल शाम में प्रोवाइड करा दिया होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, मैं देख लेता हूँ, जिसमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट दोनों के ही नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और इसके साथ आप लोग अगर पहली बार आए हो इस लेक्चर पे, तो पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्या क्या टूल्स चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसके लिए आप लोग पहला लेक्चर फॉलो कर सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका से ही आप पढ़ेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि ये रसिया वाले पार्ट पर हम लोग आ चुके थे कल, और रसिया का ये जो पार्ट दिख रहा है रेड कलर की लाइन का, ये वाला कुछ हिस्सा, तो इस तरफ तो आपको देखने को मिलेगा एशिया, लेकिन इस तरफ आपको देखने को मिलेगा यूरोप, और यूरोप में आधा रूस का भी पार्ट आता है। और इसीलिए मैंने आपको मॉस्को भी बताई थी, यहाँ की राजधानी, जो कि यूरोप में रसिया की राजधानी पाई जाती है मॉस्को के नाम से। अब इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्कटिक ओशन में इसकी जो लोकेशन है ना, उसको कवर करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान देना कि कुछ चीज़ें तो आपको मिलेंगी इसमें यूरोप वाले में, और कुछ चीज़ें जरूरत पढ़ने पे हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट में भी कवर करेंगे। तो आप लोग पहले अपने फिजिकल मैप पे आप देख सकते हो, अपने एटलस, यहाँ पर ये जो रेड कलर की लाइन दिख रही है आपको, ये वाली जिसपे यूराल माउंटेन भी लिखा होगा यहाँ पर, तो ये आपका एशिया का पार्ट हो जाएगा, ये मैंने बताया। तो हम लोग सबसे पहले आज पढ़ेंगे रूस में, देखते हैं, क्योंकि ये पूरा लोकेशन हम लोगों ने कवर कर लिया था, ये सारी चीज़ें जितने भी आपके नॉर्थ सी, इंग्लिश चैनल, बाल्टिक सी या गल्फ ऑफ बोस्निया, ब्लैक सी, एजोव सी, मरमरा सी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली थी। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर तो आपने पढ़ा था नॉर्वे को, यहाँ पढ़ा था स्वीडन को, यहाँ पढ़ा था फिनलैंड को, ठीक है। इसके बाद जैसे आप रसिया के पार्ट में एंट्री करोगे, अपने पॉलिटिकल मैप में भी देख सकते हो, वहां पर सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा कोला पेनिनसुला। कोला प्रायद्वीप पर अवस्थित एक मर्मांस्क आर्कटिक महासागर का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। अब यहां पर समझना है आपको कि कोला प्रायद्वीप कहां पर है, यह प्रश्न भी बन जाता है, तो आपको रसिया में होना चाहिए पता, रसिया में भी कहां पर आर्कटिक ओशन के तट के पास होता है। और यहां पर रसिया का एक सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, जो आप देखोगे यहां पर नाम लिखा हुआ है, पॉलिटिकल मैप में देखोगे मर्मांस्क करके लिखा हुआ, मर्मांस्क, ये एरिया ही पूरा का पूरा ये क्या कहलाता है, कोला प्रायद्वीप कहलाता है, और ये आर्कटिक ओशन के अंतर्गत आता है। कौन से ओशन में, आर्कटिक ओशन में, और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो कि एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह हो जाता है, जो वर्ष भर खुला रहता है। जबकि ये इंपॉर्टेंट इसकी विशेषता क्यों बता रहा हूँ, वर्ष भर खुले रहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ से ये व्यापार करते हुए चलता है, जबकि आर्कटिक ओशन पे काफी अधिक मात्रा में ग्लेशियर होते हैं, बर्फ के गोले, या जिसे हम लोग आइसबर्ग भी कह सकते हैं। दूसरी बात कि यहाँ पे गर्म समुद्री जलधारा का प्रवाह होता है, इसलिए उच्च अक्षांशीय प्रदेश में अवस्थित होने के बावजूद कोला प्रायद्वीप का जो तापमान होता है वो शीत ऋतु के समय भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। अब यहाँ पर ये समझ कि जो वाटर बॉडीज होती हैं, जो गर्म जलधाराएं होती हैं, ठंडी जलधाराएं होती हैं, ये जिस भी तट के समीप होती हैं, वहाँ का तट हमेशा या तो गर्म रहेगा या तो ठंडा रहेगा, जो प्रकार की जलधारा बहती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कोला प्रायद्वीप है, यहाँ पे आप देखोगे इस प्रकार से जलधाराएं बहती हैं जो कि ध्रुव की ओर जाती हैं, और ये गर्म जलधारा होती है। गर्म जलधारा होने की वजह से यहाँ का जो तटीय क्षेत्र है, कोस्टल रीजन, ये हमेशा जो है कि एक अच्छे खासे उच्च तापमान में रहता है। भले ये आप कह सकते हो कि ये तो 65 डिग्री के ऊपर है, 70 डिग्री के आसपास है, कह सकते हो कि एक तरीके से नॉर्थ में बहुत ग्लेशियर वाले ठंडे क्षेत्र में होगा, लेकिन फिर भी यहाँ का ये कोला प्रायद्वीप पर हमेशा देख सकते हो कि उच्च तापमान रहता है, गर्मी ज्यादा रहती है अपेक्षाकृत, इसलिए यहाँ पर ये हमेशा खुला रहता है वर्ष भर। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि यूरोपियन रूस से निकलने वाली, यूरोपियन रूस का मतलब क्या हो गया, जो हिस्सा रूस का यूरोप के अंतर्गत आता है, यहाँ से एक वोल्गा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, वोल्गा नदी। अब जरा उस वोल्गा नदी को आपको देखना है कि वो कहाँ से निकलेगी, तो यहाँ पर यूरोपियन रूस से निकलने वाली जो कई सारी नदियाँ हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पहले ओनेगा की बात करूँगा, देवीना की बात करूँगा, मेजन की बात करूँगा, पेचोरा की बात करूँगा, ये चारों ही नदियाँ आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। कैसे, तो आप ज़रा अपने
फिजिकल मैप में आप देखोगे सबसे पहले आपको एक व्हाइट सी के पास ओनेगा नदी देखने को मिलेगी, ओनेगा के राइट में आपको देवीना नदी देखने को मिलेगी, देवीना के राइट में आपको मेजर नदी देखने को मिलेगी और मेजर नदी के राइट में आपको पेचोरा नदी देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप देखोगे कि कहीं ना कहीं वेस्ट टू ईस्ट आप जा रहे होगे और इन चारों नदियों का निकास कुछ इस तरीके से है और ये चारों नदियों का निकास जो ऊपर हो रहा है तो आप देख सकते हो कि आर्कटिक ओशन के अंतर्गत इनका निकास देखने को मिलता है। तो आपको ये चारों नदियों की लोकेशन अगर मिल गई है फिजिकल मैप में तो हाईलाइट कर लीजिए। सबसे पहले ओनेगा मिलेगी, फिर देवीना मिलेगी, फिर मेजन मिलेगी, फिर पेचोरा मिलेगी। ये चार प्रमुख नदियां हैं। हालांकि देखा जाए तो ओनेगा नदी जैसे कि व्हाइट सी में निकलती है, लेकिन असल में व्हाइट सी आर्कटिक ओशन का ही तो पार्ट है, तो इसलिए हम इसको व्हाइट सी भी कह सकते हैं। या दूसरी भाषा में कहें तो ये जो चार प्रमुख नदियां हैं इनमें से आप देखोगे कुछ प्रमुख नदियां आपको बार्नेट सी में भी निकलती हुई दिखेंगी, लेकिन हम जो आर्कटिक ओशन है उस पर बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर इनमें जो पेचोरा नदी बेसिन है ये कोयला के भंडार की दृष्टि से इम्पॉर्टेंस है, तो यहाँ पे आप पेचोरा नदी जो बेसिन है इस पे आप यहाँ पर लिख सकते हो इस तरीके से कि ये कोयला का भंडार है, उत्पादन नहीं है, कोयला का भंडार है यहाँ पर। लेकिन यहाँ की जो प्राकृतिक दशा है ना वो प्रतिकूल है, यानी कि मौसम भी ठंडा रहता है, क्योंकि ये जो कोयला प्रायद्वीप है यहाँ पे तो गर्म जलधारा है लेकिन जो पेचोरा का एरिया है ये सामान्यतः ठंडा भी रहता है। और दूसरी चीज, यहाँ पे प्राकृतिक दशाएं इतनी अनुकूल नहीं है कि यहाँ पे कोई खनन किया जाए, माइनिंग की जा सके, इसलिए यहाँ पे कोयला का उत्पादन नहीं होता है। तो उत्पादन के आगे आप नो कर सकते हो, आप क्रॉस कर सकते हो कि इसका उत्पादन नहीं होता, केवल भंडार यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर आगे देखते हैं वोल्गा नदी की बात करेंगे जो कि पूरे यूरोप की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। हालांकि जो दूसरी लार्जेस्ट नदी है जो मैंने कल आपको बताई थी जिसका नाम डेन्यूब नदी है, जो वियना की राजधानी ऑस्ट्रिया भी इसके तट पर है और जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से निकलती है, काफ़ी देशों से होकर गुजरती है और ब्लैक सी में गिर जाती है डेल्टा बनाते हुए, ठीक है, ये सारी चीज़। लेकिन वो दूसरी सबसे लंबी नदी थी, जबकि मैं बात करूँगा कि जो यूरोपीय रूस है यहाँ पर जो यूराल पर्वत है यहाँ से एक नदी निकलती है जो वोल्गा नाम से होती है, जो कि सबसे लंबी यूरोप की नदी है और कैस्पियन सागर में गिरती है। तो वोल्गा नदी को जरा आपको ढूंढना है कि वोल्गा नदी कहाँ मिलेगी, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको वोल्गा नदी। अगर आप देखो यहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हो, जहाँ पे आप देखोगे कि ये रहा वोल्गा नदी लिखा हुआ, यहाँ पर भी वोल्गा नदी लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये नदी जो है कि निकलते हुए आती है और ये यूरोप की सबसे लंबी नदी होती है और आके गिरती कहाँ पे, अगर आपको ये देखना है इसका डाउनफॉल कहाँ पे होता है, तो वोल्गा नदी कुछ इस तरीके से आते हुए और यहाँ से होते हुए ये कैस्पियन सागर में गिरती है। आप अपने मैप में भी देख सकते हो कि यहाँ पर ये एक डेल्टा भी बना रही होगी और ये रहा आपका कैस्पियन सी, जो कि कैस्पियन सी एक तरीके से कह सकते हो कि काफ़ी इस समय प्राकृतिक दशाओं की वजह से बहुत चर्चा में रहता है, क्योंकि लगातार इसका जो विस्तार है वो सिकुड़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है क्षेत्रफल। तो वोल्गा नदी के बारे में एक और चीज़ आप लिख सकते हो दोस्तों कि ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी थी, डेन्यूब थी। यहाँ पे देख सकते हो डेल्टा ऑफ डेन्यूब जो कि ब्लैक सी में गिरती है, जिस पर आप लिख सकते हो कि सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है ये यूरोप की। तो यहाँ पर एक चीज और आपको जानना चाहिए कि यह जो नदी बेसिन है ये खनिज तेल के भंडार वगैरह और साथ में उत्पादन की दृष्टि से भी जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है रूस का, क्योंकि ये जो क्षेत्र होता है ना कैस्पियन वाला, ये जो क्षेत्र होता है जहाँ पे ये डेल्टा बनाती है, ये क्षेत्र सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है खनिज तेल भंडार और उसके उत्पादन के लिए। और यूराल पर्वत से निकलने वाली जो यूराल नदी होती है, यूराल नदी, इसका भी निकास कैस्पियन सागर में ही होता है। देखिए यहाँ पे आपको यूराल नदी एक जगह लिखी हुई देखने को मिलेगा, ठीक है, इसका भी निकास कहाँ पे होता है, इस तरीके से कैस्पियन सागर में होता है। वोल्गा का भी निकास कहाँ पे होता है, कैस्पियन सागर में होता है। और यह नदी यूरोप और एशिया की प्राकृतिक विभाजक भी बनती है, कौन, तो आप देखोगे कि जरा एशिया और यूरोप को अलग करने में कौन इंपॉर्टेंट होता है, आप यहाँ पे देखोगे ये लिखा हुआ है एशिया, क्योंकि ये जो एक माउंटेन है यूराल माउंटेन, यूराल माउंटेन ही ऐसा एक लोकेशन होता है प्राकृतिक रूप से जो कि एशिया को अलग करता है, किससे, यूरोप से अलग करता है, ठीक है। तो आप इसे भी हाईलाइट कर सकते हो कि यह अलग करता है। वहीं पर एक यूराल नदी भी इसी से निकलती है, यूराल माउंटेन से, यह भी एक ऐसा विभाजक हो जाती है जल विभाजक के रूप में कि एक तरफ एशिया हो जाएगा और एक तरफ यूरोपीय क्षेत्र हो जाएगा, क्लियर। अब यहां पर हम लोग कवर करेंगे जरा कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन जो अभी तक हमने कवर नहीं किए हैं। तो अब आप पूरी तरीके से अपने फिजिकल मैप में आ जाइए जो कि आपका यूरोप का फिजिकल मैप। सबसे पहले आपको एक तरफ से चलाएंगे हम, जैसे हम लोगों ने आइसलैंड को कवर करते हुए निकले थे, आपको याद होगा पहले लेक्चर में, फिर नॉर्वेजियन सी, फिर जो है कि यहाँ पे ग्रीनलैंड सी देखा था, फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो
नॉर्वे था, स्वीडन था, फिनलैंड था, इस तरीके से हमने क्रम वाइज देखा था और उसी तरीके से माउंटेन को भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको जोलन माउंटेन देखने को मिलेगा, जो आपको नॉर्वे में देखने को मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा? नॉर्वे में देखने को मिलेगा, और इसका के साइलेंट है। जरा हाईलाइट कर लीजिए आप यहाँ पर अपने मार्कर से, ये लिखा हुआ है के जोलन माउंटेन। तो के जोलन को हम जोलन माउंटेन भी कहते हैं क्योंकि के यहाँ पर साइलेंट होता है। और इसके बाद अगर आप एक दूसरा माउंटेन देखोगे जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा वो माउंटेन है, ये रहा पिरनीज। पिरनीज माउंटेन को आप देख सकते हो, आप इसके बारे में यहाँ पे एक पॉइंट के रूप में हाईलाइट कर सकते हो कि एक तरफ इसके फ्रांस है और दूसरी तरफ इसके कौन है, स्पेन है। ये इन दोनों के बीच में बाउंड्री भी शेयर करता है। और इसी पे, इसी माउंटेन के पास एंडोरा नाम का एक देश भी है, जो पूरी तरीके से कैसा देश है, लैंड लॉक देश है। क्या देश है दोस्तों? लैंड लॉक देश है पूरी तरीके से एंडोरा। तो ये पिरनेज माउंटेन पे है, और ये पिरनेज माउंटेन एक तरफ फ्रांस की बात करता है, दूसरी तरफ स्पेन की बात करता है। तो इसके तट पे है, मतलब इसके बॉर्डर पे है। वहीं यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण एक पर्वत है, जहां से बहुत इंपॉर्टेंट नदियां भी निकलती हैं, जो कि आल्प्स पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये आपको स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा विस्तारित मिलेगा, हालांकि और भी आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, लेकिन आल्प्स पर्वत यहाँ पे याद रखना है। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि कैंटाबेरियन माउंटेन कहाँ पर हमने पढ़ा था, याद होगा आपको, कैंटाबेरियन माउंटेन जो हमने फ्रांस, वो सॉरी स्पेन में पढ़ा था, बे ऑफ बिस्के के पास। तो कैंटाबेरियन, और यहां से एब्रो नाम की महत्वपूर्ण नदी निकलती है जो पूरी तरीके से मेडिटेरियन सी में गिरती है, स्पेन की ये बहुत ही प्रसिद्ध नदी है। तो ये कहां से निकलती है? कैंटाबेरियन से निकलती है, कैंटाबेरियन से। ये देखिए, अब यहां पर इसी स्पेन में आपको दो माउंटेन और देखने को मिलेंगे, सियरा माद्रे, मतलब सियरा मेराने और सियरा निवादा। तो आप देखोगे सियरा मोरेना और सियरा निवादा, ये जो है कि दो माउंटेन भी आपको देखने को मिलेंगे, जबकि इससे पहले आपने दो माउंटेन और देखे थे इसी तरीके से जो मैक्सिको में थे, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल, जो पहले लेक्चर में मैंने पढ़ाया होगा आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, तो वहां पर भी देखा था। और अब हम यहाँ पे भी स्पेन में देख रहे हैं कि सियरा मोरेना और सियरा निवादा। अब इसके बाद हम बेटिकन कॉल्डेरा देखेंगे। क्या देखेंगे? बेटिकन कॉल्डेरा। ये कहां पर देखने को मिलेगा? तो जस्ट इसी के नीचे आपको देखने को मिलेगा, कहीं दूर नहीं जाना है, सियरा मोरेना, सियरा निवादा, और इसी के नीचे आप देखोगे बाल्टिकन, जो लिखा है बेटिकन कॉल्डेरा। ठीक है, बेटिकन कॉल्डेरा मिल गया। और इसके बाद मैंने इटली में आपको दिखाया था एपेनाइन पर्वत, जहां से टाइबर नदी निकलती है, जो कि वेटिकन सिटी और इटली की राजधानी रोम से होते हुए टिरिनियन सी में गिरती है। रिवाइज हुआ आपको? यहां से मैंने बताया था टाइबर नदी गिरती है, जो कि वेटिकन सिटी और रोम से होते हुए टिरिनियन सी में गिर जाती है। तो ये जो माउंटेन है वो कोई और नहीं, एपेनाइन माउंटेन है। और यह कई बार पूछा जाता है कि एपेनाइन माउंटेन कहां पर स्थित है, कहां पर स्थित है एपेनाइन माउंटेन, तो वो मैंने आपको बता दिया। और आगे हम देखते हैं, अभी मैं ये लोकेशन बता रहा हूँ, इसके बारे में और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। फिर एक आता है आपका डेनारिक आल्प्स, जो बिल्कुल यहीं पर आप देखोगे एपेनाइन पर्वत से निकलने के बाद डेनारिक आल्प्स आता है, जो एड्रियाटिक माउंटेन को क्रॉस करने के बाद डेनारिक आल्प्स के नाम से जाना जाता है। और इसी के पास आपको पिंडस माउंटेन भी देखने को मिलेगा नीचे साइड में, पिंडस माउंटेन। ये सब क्रम वाइज चल रहे हैं हम लोग। अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो हम लोग कैसे चल रहे हैं, हम लोग यहाँ पे पिरनीज माउंटेन को देखा, फिर कैंटाबेरियन को देखा, फिर सियरा मोरेना को देखा, निवादा को देखा, बेटिकन को देखा, फिर इसके बाद एपेनाइन को देखा, इसके बगल में हम लोग डेरानिक को देखा, डेनारिक को, इसके नीचे हम लोगों ने पिंडस माउंटेन को भी देख लिया। अब इसके बाद एक बालकन माउंटेन भी आपको देखने को मिलेगा, तो आप यहां पर देख सकते हो बालकन माउंटेन्स, ये डेन्यूब नदी के पास में हाईलाइट कर रहा हूं बालकन माउंटेन्स, क्योंकि बालकन जो है कि एरिया देखने को मिलेगा बालकन माउंटेन्स। और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट माउंटेन आपको देखने को मिलेगा बालकन के ऊपर, जिसका नाम होगा ट्रांस साइबेरियन आल्प्स, कह सकते हो आप इसे ट्रांस साइबेरियन आल्प्स कह सकते हो इसे, मतलब आप देखोगे यूरोप में सबसे अधिक माउंटेन आपको आल्प्स के नाम से ही देखने को मिलेंगे। तो इसको आप कर सकते हो ट्रांसवेलियन आल्प्स कर सकते हो। और इसी के ऊपर एक और आपको माउंटेन देखने को मिलेगा कार्पेथियन माउंटेन। क्या देखने को मिलेगा? कार्पेथियन माउंटेन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कार्पेथियन माउंटेन। और इसके बाद आपको और दक्षिण में आप देखोगे, मतलब पूरब में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन, जहाँ से कौन सी नदी निकलती है? यूराल नदी भी निकलती है। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट माउंटेन, जो कि लास्ट माउंटेन होगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं कैनकुसस माउंटेन। कहाँ पर मिलेगा ये? ये मिल जाएगा आपको यहाँ पर नीचे साइड में। ठीक है, कैनकुसस माउंटेन करके यहाँ पर लिखा होगा, कैस्पियन सी के तट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है
क्या लिखा हुआ है, काउकासस, काउकासस माउंटेन, जो भी आपको प्रोनाउंसिएट कर पाए, ठीक है। तो बस अल्टीमेटली टारगेट क्या होना चाहिए कि हम उस चीज को जानते रहें कि कहां कहां पे हम माउंटेन देख रहे हैं। तो जरा एक बार अब मेरे साथ ये पूरे के पूरे आप रिवाइज जरा कर लो एक बार, कौन कौन से हमने माउंटेन देखे दोस्तों। तो हम लोगों ने जब शुरू किया था तो नॉर्वे में हम लोगों ने के जोलॉन करके एक माउंटेन देखा। इसके बाद जब हम नीचे उतरते हैं तो सबसे पहले हम आते हैं पिरनीज माउंटेन पे, जो कि फ्रांस और स्पेन की बाउंड्री पर है। कौन सा माउंटेन है, तो यहाँ पे आप देखोगे पिरनीज माउंटेन पे आप देखोगे। फिर उसके बाद जो है कि कैंटाबेरियन देखा हम लोगों ने, फिर यहाँ पे सियरा मोरेना देखा, सियरा नेवादा देखा, फिर वेटिकन कॉल्डेरा देखा, फिर यहाँ पे एपेनाइंस पर्वत देखा, इसी के ऊपर हमने आल्प्स पर्वत देख लिया, यहीं पे डेनारिक आल्प्स देखा, उसके बाद पिंडस माउंटेन देखा, इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांससेविलियन माउंटेन देखा और यहाँ पे कार्पेथियंस माउंटेन देख लिया, इसके बाद हमने डायरेक्ट यूराल माउंटेन देखा और यूराल माउंटेन के बाद हम लोगों ने नीचे कैस्पियन सी के पास देखा हम लोगों ने कॉकसस माउंटेन करके देख लिया। तो ये सारी लोकेशन आपने देखी। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट रह जाता है, आप इसे देखना चाहोगे जैसे मेरे साथ, तो ब्रिटेन में अगर आप देखोगे तो तीन इंपॉर्टेंट माउंटेन देखने को मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा पेनेनाइंस रेज, ठीक है, पेनेनाइंस रेज मिलेगा, और एक मिलेगा आपको कैम्ब्रियन भी कह सकते हो आप इसको, और ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा ग्रैम्पियंस। ये तीन इंपॉर्टेंट जो है कि ब्रिटेन में देखने को मिलते हैं माउंटेन, हालांकि बहुत छोटे छोटे भी माउंटेन्स हैं, लेकिन ये तीन इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन है जिनको आप लोग याद रखना। और जूरा माउंटेन आपने कई बार सुना होगा, तो यहाँ आल्प्स पर्वत के बाद ही आपको देखने को मिलेगा जूरा माउंटेन, हालांकि इससे पहले मैंने वॉजेस पर्वत और यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन भी आपको बता दिया था, जो कि जर्मनी से जब राइन नदी होकर गुजरती है भैंस घाटी में, तो वॉजेस पर्वत और ब्लॉक फॉरेस्ट पर्वत के बारे में मैंने आपको बताया था, ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में। अब इस तरीके से मैं और भी चीजें आपको बताना चाहूंगा, जैसे स्कैंडिनेवियाई की बात करेंगे। स्कैंडिनेवियाई जो पेनिनसुला है, देखो ये यहाँ पे क्या लिख रहा है, अगर इसको ढंग से पढ़ो तो इसको क्या लिख रहा है, स्कैंडिनेवियन लिख रहा है ना, और यहाँ पे माउंटेन्स भी लिख रहा है, तो असल में ये भी एक पेनिनसुला के रूप में होता है। और इसमें कौन कौन से देश आते हैं जरा ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसमें एक तो आएगा सबसे इधर नॉर्वे आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे स्वीडन आएगा, ठीक है, नॉर्वे और स्वीडन। अगर मैं नॉर्वे की बात करूँ तो नॉर्वे स्पेशली किसके लिए फेमस है, नॉर्वे स्पेशली फेमस हो जाएगा लॉ अयस्क के लिए फेमस हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात स्वीडन में अगर मैं बात करूँ तो ये आपको स्वीडन में आपको जोलोन माउंटेन स्पेशली देखने को मिलेगा। क्यों ऐसा मैंने कहा, क्योंकि अगर आप अपने पॉलिटिकल मैप में जरा एक बार नजर चलाओ तो आप देखोगे ऊपर जाके जो है कि स्वीडन का हिस्सा बहुत ही पतला हो जा रहा है, बल्कि ये किस में आ जा रहा है, मुख्य रूप से स्वीडन में आ जा रहा है, मतलब नॉर्वे का हिस्सा पतला हो जा रहा है, और जो जोलोन पर्वत का जो विस्तार है वो स्पेशली किस में आ जा रहा है, स्वीडन में आ जा रहा है। तो यहाँ पर आपको स्वीडन में ही जो जोलोन पर्वत है यहाँ पर एक ऊंची चोटी देखने को मिलती है, उस चोटी का नाम जो है कि चोटी मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, मैं लिख देता हूँ आपको इसके लिए MAG, आप इसे लिख लेना ENEDITE, जिसको क्या कहेंगे, मैग्नेडाइट कह सकते हो आप इसको। और ये क्या होता है, ये एक लौह अयस्क केंद्र होता है, क्या होता है, ये लौह अयस्क केंद्र होता है, कहाँ पर होता है, ये स्वीडन के इसी तट पर होता है, यानी कि जोलोन माउंटेन के पास। अब जरा फ्रांस के बारे में हमने पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा था फ्रांस में, यहाँ पे हम लोगों ने एक पिरनीज माउंटेन पढ़ा था, यहाँ पे इन दोनों के बाउंड्री पर, तो ये फ्रांस और स्पेन की सीमा पे एक पिरनीज माउंटेन है जो कि एक पर्वतीय क्षेत्र है, और यहीं पर एक पर्वतीय देश भी देखने को मिलता है एंडोरा, जो कि पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड होता है। फिर आपने आल्प पर्वत को पढ़ा था, तो आल्प पर्वत का जरा विस्तार आप देखोगे कितने देशों में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आल्प पर्वत के चारों तरफ आप एक इन शॉर्ट करके लिख सकते हो अपने लिए जानकारी के लिए कि आल्प पर्वत कितने देशों में विस्तारित है। तो ये एक तो आपका फ्रांस हो गया, ठीक है, प्लस करके इस तरीके से लिख सकते हो, SW से स्विट्जरलैंड लिख सकते हो, फिर AUS से आप ऑस्ट्रिया लिख सकते हो, वहीं पे जर्मनी लिख सकते हो और इटली लिख सकते हो। तो ये इतने देशों में जो है कि आल्प पर्वत का विस्तार देखने को मिलता है, कितने, पांच देशों में, फ्रांस में भी विस्तार है, स्विट्जरलैंड में विस्तार है, ऑस्ट्रिया में विस्तार है, जर्मनी में विस्तार है और इटली में विस्तार है। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट नदियां निकलती हैं उसमें एक नदी आपको लिखनी है राइन नदी, इंपॉर्टेंट है ये, आल्प्स पर्वत से ही राइन नदी निकलती है, यहीं से एक रोन नदी भी निकलती है जो मैंने बताया था गल्फ ऑफ लियोंस में आकर गिरती है फ्रांस से होते हुए, तो लियोंस के बारे में मतलब गल्फ रोन नदी के बारे में बता दिया था। वहीं इटली में एक सबसे इंपॉर्टेंट नदी निकलती है पो, जिसको हम लोग इटली की गंगा भी कहते हैं, और ये आपके जो है कि वेनिस की खाड़ी में आके गिरती है, यानी एड्रियाटिक सी में, ये भी मैंने कल की क्लास में कराया था, ये चीजें मैंने बता दी थी आपको, अगर आपने नहीं की होंगी तो उस क्लासेस को कर लीजिएगा तभी चीजें समझ में आएंगी। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि जो आल्प्स पर्वत है जो बहुत ही फेमस है यूरोप का, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप देखोगे कि जो इसकी सर्वोच्च चोटी अगर आप देखोगे देश के रूप में, तो फ्रांस में चोटी देखने को मिलेगी माउंट ब्लैंक करके,
कौन सी देखने को मिलेगी? माउंट ब्लैंक, और ये आपको यहीं आज पर्वत के नजदीक मिलेगी 4808 मीटर की, जो कि किस में आती है? मुख्य रूप से ये फ्रांस में आती है। कहां पे आती है? फ्रांस में आती है। और स्विट्जरलैंड में भी एक चोटी देखने को मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं मैटरहॉर्न, जो कि 4478 मीटर है। तो आल्प्स पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? माउंट ब्लैंक हो गई, और दूसरी आपकी आती है माउंट मैटरहॉर्न, जो कि स्विस अल्प्स, जो स्विट्जरलैंड का आल्प्स पर्वत है, ये अंतरा पर्वती भी आप इसे कह सकते हो। तो यहाँ पे दो चोटियां भी आपने देख ली, एक आल्प्स पर्वत की, एक आपने माउंट ब्लैंक देखी, एक मैटरहॉर्न देखी। अब इटली के बारे में अगर हम बात करें तो इटली की जो एपेनाइंस माउंटेन है, इटली का एपेनाइंस माउंटेन, यहाँ से एक नदी निकलती है, मैंने बताया था टाइबर नदी, जो कि टिरेनियन सी में गिरती है, और दूसरा माउंट विसुवियस यहीं पर देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये माउंट विसुवियस, कई बार ये मिलान करने के लिए आया जाता है। माउंट एटना, ये भी कई बार मिलान करने के लिए आ जाता है कि इटली में है कि नहीं है। तो कहाँ पर है? पहले माउंट विसुवियस की बात करेंगे तो ये नेपल्स के समीप अवस्थित है, और इसी में माउंट एटना भी आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ से क्या होगा कि जो चीज़ें मैंने आपको बता दी है ना, अब इससे रिलेटेड जो भी और एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिलेंगे, जब आप इसका रिविजन करोगे तो आपको और भी चीज़ें देखनी है, क्योंकि दुनिया में केवल इतनी चीज़ें नहीं है ना, यूरोप में बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैं आपको यहीं पर बैठे बैठे दिखा दूँ तो बहुत सारी चीज़ें आपने अक्सर एग्जाम्स में पढ़ी होंगी, लेकिन अब उसको क्या करना है, आपको भी हाईलाइट करते चलना है और उन पॉइंट्स को पकड़ते हुए चलना है कि हाँ यार ये चीज़ें मैंने देखी हैं या ये चीज़ें कभी एग्जाम से पूछी गई हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि इटली का विसुवियस माउंटेन, इटली का माउंट एटना, जो कि कई बार मिलान करने के लिए आ जाता है, सार्डिनिया के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, माउंट सेंटो की बात करेंगे तो ये रहा। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे माउंट हैं जो आपको याद रहने चाहिए, ढूंढते जाओगे मिलते जाएंगे, बहुत सारे माउंटेन आपको यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने सारे के सारे यहाँ पे करा दिए हैं। तो अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो हम यूरोपीय देशों की तरफ से चलते हुए चलेंगे जो रूस वाले में, तो सेंट पीटर्सबर्ग बाल्टिक सागर में फिनलैंड की खाड़ी के तट पर अवस्थित है, और यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग ट्रांस साइबेरियन रेलवे का पश्चिमी जंक्शन भी बनता है। कैसे? आप पॉलिटिकल मैप में आ जाओ जरा, अपने यहाँ पर आप देखोगे कि ये क्या लिख रहा है दोस्तों, सेंट पीटर्सबर्ग लिख रहा है, और ये मैंने क्या बताया, बाल्टिक सागर, क्योंकि ये रहा आपका बाल्टिक सी, और यहाँ पे गल्फ ऑफ फिनलैंड, हाईलाइट कर लो गल्फ ऑफ फिनलैंड को, तो कहीं ना कहीं ये गल्फ ऑफ फिनलैंड होके बाल्टिक सी के तट पर ही तो है, यहाँ पर फिनलैंड की खाड़ी के तट पर अवस्थित है, और ये आपका जो दुनिया की सबसे बड़ी जो रेलवे ट्रैक है ना, सेंट पीटर्सबर्ग ट्रांस साइबेरियन रेलवे, आपने अक्सर पढ़ा होगा ट्रांस साइबेरियन रेलवे। तो ये ट्रांस साइबेरियन कहाँ पे? साइबेरिया के नाम से आपको पता चल जाता है कि रसिया में, लेकिन उसका जो वेस्टर्न जंक्शन है यानी कि सबसे पश्चिमी जंक्शन है वो यही है, कौन सा? सेंट पीटर्सबर्ग, जो यूरोपीय रूस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह होने के साथ साथ जलयान उद्योग के लिए भी फेमस है। किसके लिए? जलयान उद्योग के लिए भी फेमस है। इसके बाद आप देखोगे मॉस्को, मॉस्को मैंने आपको बताया था जो कि इसकी राजधानी है रूस की, और मॉस्को हो गया, फिर टुलो, टुलो करके भी एक क्षेत्र है, यहां पर आपको नहीं मिलेगा, आप लिख लेना इसको यहीं पे। ये क्षेत्र जो है मॉस्को का, टुलो का, ये जो क्षेत्र है ये मुख्य रूप से क्या है, लिग्नाइट कोयले के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलो आप मॉस्को में ही लिख लो, क्या लिखोगे? लिग्नाइट कोयला, यहाँ पर आपको कौन सा कोयला मिलेगा? लिग्नाइट कोयला। लेकिन एक ऊपर भी मैंने आपको कोयले का क्षेत्र बताया था, पेचोरा नदी के पास, याद होगा जब मैंने आपको ओनेगा नदी के बारे में बताया था, देवीना नदी के बारे में बताया था, और मेजर नदी के बारे में बताया था, और साथ में पेचोरा नदी बताया था, अभी जस्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले ही, तो मैंने वो जो नदी बताई थी वहाँ पर मैंने लिखवाया था कि कोयले के भंडार तो बहुत हैं, लेकिन प्राकृतिक दशाएं जो है कि विपरीत हैं, जिसकी वजह से हम उसका खनन नहीं कर पा रहे हैं। तो मॉस्को में भी आपको किस प्रकार का कोयला देखने को मिलेगा? तो मॉस्को में आपको लिग्नाइट कोयला देखने को मिलेगा। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि रशिया की राजधानी है, और साथ में ये रूस की राजधानी भी है, और सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र भी है, जहाँ पर आप देखोगे कि वस्त्र इंडस्ट्री का भी विकास होता है। किसका होता है? वस्त्र इंडस्ट्री या वस्त्र उद्योग का भी विकास हुआ। जब यह उद्योग, जब वस्त्र उद्योग यहाँ पे लाभदायक नहीं रहेगा ना, तब इस उद्योग का विकेंद्रीकरण करने के लिए इन्होंने इवानवो में एक वस्त्र उद्योग का विकास किया। इवानवो कहाँ पे? जो मॉस्को से ही कुछ दूरी पर है इवानवो। तो यहाँ पर भी फिर वस्त्र उद्योग का विकास किया गया, क्योंकि ऐसा कई बार किया जाता है कि जब किसी एक पर्टिकुलर देश में, पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर किसी इंडस्ट्री का विकास नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती उसे खींचना नहीं चाहिए। तो मॉस्को को एक राजधानी के क्षेत्र के रूप में विकास किया गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के रूप में इसको डेवलप किया गया, लेकिन जब वस्त्र उद्योग में पीछे हो गया, वस्त्र उद्योग नहीं चल पाया, तो इन्होंने इवानवो में जो है कि इस डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया, और इसीलिए इवानवो क्या कहलाता है आज वर्तमान में? रूस का मैनचेस्टर। क्या कहलाता है दोस्तों? रूस का मैनचेस्टर कहलाता है। क्लियर?
तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि ये रूस का मैनचेस्टर कहलाता है, अर्थात यहाँ पे वस्त्र इंडस्ट्री सबसे फेमस है इवानगो में। और जो मैं बार बार आपको बताता हूँ, इवन कि आप भी पढ़ते हो कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, दक्षिण भारत का किसे कहते हैं, उत्तर भारत का किसे कहते हैं, तो आपने कई बार कोयम्बटूर पढ़ा होगा, कानपुर पढ़ा होगा, मुंबई पढ़ा होगा। तो ये असल में बात आती है कि ये सर मैनचेस्टर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैनचेस्टर क्या है। तो मैनचेस्टर एक यूनाइटेड किंगडम अर्थात कि ब्रिटेन का एक शहर है जहाँ पर सबसे अधिक वस्त्र इंडस्ट्री जो है कि ऑपरेट होती है, जैसे जापान का ओसाका मैनचेस्टर कहलाता है। तो मैनचेस्टर आप यहां पर देख सकते हो यूनाइटेड किंगडम में, इसे जरा आप क्या करो हाईलाइट कर लो, यूनाइटेड किंगडम को कहां पे मैनचेस्टर आपको दिख गया, तो यहां पर आप इसे हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि यही मैनचेस्टर है जो पूरे दुनिया भर में वस्त्र उद्योग के नाम से फेमस हो चुका है। अब इसी के बाद मैं बताऊं आपको कि यूराल पर्वतीय क्षेत्र कोयला को छोड़कर धात्विक व अधात्विक खनिजों के भंडार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है रूस का। कौन सा? जो यूराल पर्वतीय क्षेत्र है, अगर हम कोयले के भंडार को छोड़ दें तो बाकी वहां पे आपको धात्विक और अधात्विक, धातु अधातु दोनों प्रकार की चीजें वहां पर देखने को मिलती हैं। और अब यहीं पर एक और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको यूराल पर्वत के पास एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि रेलवे स्टेशन का नाम बताना चाहूंगा। हालांकि मैं एशिया महाद्वीप में आ चुका हूं लेकिन आपको अभी नहीं आना है, या तो आप आ भी सकते हो, जब मैं एशिया महाद्वीप पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी आप देख सकते हो। यहाँ पे एक लोकेशन का नाम लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है येकेटरिंगबर्ग, ठीक है, ये जो आप देखोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको एक रेड कलर की लाइन दिख रही होगी, ये जो है, और ये यूराल नदी दिख रही होगी, तो यहीं पर यूराल माउंटेन भी है। इस साइड में आपको क्या देखने को मिलेगा? यूरोप देखने को मिलेगा जिसमें मॉस्को आता है, लेकिन इधर क्या देखने को मिलेगा? रसिया में एशिया वाला पार्ट देखने को मिलेगा। और इसी में ये एक इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है जो कि सबसे पश्चिमी रेलवे स्टेशन, तो आपको मैंने यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग बता ही दिया था, लेकिन उसी ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग में एक ये भी रेलवे स्टेशन आता है जो इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ थी और इंपॉर्टेंट जो है कि लोकेशन थी यूरोप की। और अब हम धीरे धीरे कहाँ प्रवेश कर गए हैं? अब हम धीरे धीरे आपके प्रवेश कर रहे हैं यूरोप से एशिया की तरफ। लेकिन उससे पहले आप दो और इम्पॉर्टेंट जो है कि जो यूरोपीय रसिया में जो व्हाइट सी और बार्नेट सी हैं, इसको जरा हाईलाइट कर लीजिए, क्रम से पूछा जाता है क्योंकि आगे भी तीन चार और आपको एशिया के अंतर्गत जो रूस आता है उसमें भी सी देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको कारा सी हो जाएगा, लैपटेप सी हो जाएगा, ईस्ट साइबेरियन सी हो जाएगा, चुकची सी हो जाएगा, तो ये सभी देखने को मिलेगा। लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि ये रहा व्हाइट सी, अगर आप देखोगे ये व्हाइट सी हो जाएगा और व्हाइट सी के बाद आप यहाँ पे बार्नेट सी भी देख पाओगे, ये यहाँ पे बार्नेट सी लिखा हुआ है आपके मैप में दे रहा होगा, आप वहां पर हाईलाइट कर सकते हो अच्छे से, हो सकता है आपको डिस्प्ले पे अच्छे से नहीं दिख रहा होगा लेकिन आप अपने मैप में हाईलाइट कर सकते हो। तो ये व्हाइट सी और ये बार्नेट सी, ये दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे इस रशिया वाले पार्ट में, कौन से? यूरोप के पार्ट में। लेकिन जब हम इसके इधर साइड में आएंगे, इस वाले एरिया में, इस वाले में, तो यहाँ पर आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट जो है कि सी देखने को मिलेंगे, जैसे कारा सी, लैपटेप सी, ईस्ट साइबेरियन चुकसी सी, ये सभी आपके एशिया में आएंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना कि जो व्हाइट सी है, बार्नेट सी है, ये सभी आर्कटिक ओशन के अंतर्गत ही आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? आर्कटिक ओशन के अंतर्गत ही आएंगे। तो इस तरीके से आज हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट भी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, हालांकि क्लास काफ़ी छोटी रही इसमें आज की, तो कोई बात नहीं, अब आपको कल मिल जाएगी इसके बाद एशिया कॉन्टिनेंट की क्लास। और कोशिश करूंगा कि एशिया कॉन्टिनेंट को भी मैं दो क्लासेस में कंप्लीट कर दूं, जिसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट लोकेशन को पहले कवर करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जल संधियों को कवर करेंगे, क्योंकि कई बार जो एशिया में स्पेशली जो अरब सागर के आसपास की जो जल संधियाँ होती हैं वो कई बार पूछी जाती है हिंद महासागर के अंतर्गत, और प्रशांत महासागर में भी कुछ इंपॉर्टेंट जल संधियाँ होती हैं उसको भी कई बार पूछा जाता है, जैसे जापान की तरफ फिलीपींस हो गया और जो वियतनाम वगैरह देश है यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट जल संधियाँ, तो वो भी पूछी जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग कल की क्लास में कवर कर लेंगे, और एशिया महाद्वीप पर भी मैं दो क्लासेस लूँगा जिसमें आपकी पूरी चीज़ें कवर हो जाएंगी। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप रह जाएगा एक आखिरी, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप केवल एक दिन के लेक्चर का काम रहेगा, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज रहेंगी बस उसे हम लोग सर्च कर लेंगे और उसे वहां पे कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों के साथ, और चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना, और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है जहां पर मैं इसकी पीडीएफ को पोस्ट कर दूंगा या पोस्ट कर दी गई होगी, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।